ये देखो, ये है मलाई। ये तो दूध आता है ना, उसकी मलाई निकालिए। अब मैं इसका घी बना रही हूँ। देखिए, इसको बनने में कम से कम मुझे 20 से 15 मिनट लगेंगे। तो अभी तो इसको पूरा मेल्ट करना है, इस मलाई को। ये देखो, इसमें रखी थी, इसमें रखी थी। देखो, अभी तो इसको मेल्ट करना है ना पूरी तरह से। ये देखो, चलो इसको मेल्ट होने देते। देखो, ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखो, ये देखो पूरी तरह से। और ये रहा पहले का घी, इसी में ही डाल दूंगी ये बना के, क्योंकि इसको ना सिर्फ ऐसे ही खाते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये इसको बस ऐसे ही बनाते हैं पर कोई खाता नहीं है इसको। मन ने तो बिल्कुल पसंद ना आएगी इसी। ये देखो, ये पूरी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा ना, फिर इसमें से घी। देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा होने लगा है। ये थोड़ा थोड़ा से अजीब सा हो जाएगा। ये लगता है घी बनने की तैयारी हो चुकी है। अब आया ना इसका रंग घी बनाने के बाद में। ये देखो, चलो इसको थोड़ा ब्राउन होने का वेट करते हैं, ठीक है। देखो, ये पूरी तरह से घी बन चुका है। अब ये ब्राउन हो चुका है। ये देखिए, ये रहा ब्राउन। और ये जो ब्राउन ब्राउन है ना, ये तो डॉगी है। तो चलो, अब गैस को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। इस चम्मच को अलग रख दो, इसमें निकालेंगे। ये इसका डंठल भी ना मैं ना बहुत तोड़ती हूँ। इसका डंठल भी मैंने पटक पटक के तोड़ दिया। तो ये, अरे यार, गिनना। देखो, देखो, ये कैसे टपक रहा है। देखो, ऐसे बने हैं घी। ये देखो, ये निकल जाएगी। ये देखो, ये निकल जाएगी। ये देखो, दिखा दिखा, ऐसे बनता है घी। आ गया ना बनाए। ये देखो, देखा, ये होता है मलाई का घी बनाना, ठीक है। चलो, अब इसको बाकी को निकालते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। पूरी कढ़ाई खाली हो चुकी है। ये तो खाली छन्नी तैर रही है इसमें। और ये रहा घी का निकला हुआ जो ब्राउन ब्राउन होता है। ये तो टक्कू खा लेगा डॉगी, क्योंकि उसको पसंद है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद ना आई है, तो वही खा लेगा। ये देखो, पूरा डब्बा भर चुका है घी का। पता है घी किस काम आता है? या तो इससे हलवा बनता है या सेवियाँ बनती है। और ये किसी काम नहीं आता, क्योंकि कोई खाता ही नहीं। ठीक है, आप सब लगाना चाहते ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बच रहे हैं दोपहर के 3, और मैं सब काम से फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया और कपड़े भी बहुत सारे धोए थे। तो इसलिए आज मेरे को दिन में 1 बजे नहाने का टाइम मिला। फिर उसके बाद और भी कपड़े धोए, तो फिर खाना खाया, घी बनाया। देखा तो होगा ना आपने घी कैसा बनाया, मैंने मुझे बताना ज़रूर। हम ऐसे ही घी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मलाई हमारे यहाँ कोई नहीं खाता और ना कोई घी खाता है। लेकिन घी बन जाता है ना, तो उससे मम्मी सेमिया या दलिया या हलवा बना देती है, और या फिर गाजर का हलवा वगैरह, क्योंकि घी तो कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो घी ऐसे बिगाड़ जाता है, तो क्योंकि मलाई भी बहुत निकलती है, तो मलाई भी कोई नहीं खाता, घी भी कोई नहीं खाता, तो इसका घी बना देते हैं तो काम आ जाता है। कभी ना कभी सेमिया उमिया तेल डालो तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए घी डालते हैंगे। और तो आज मैं बस छोटा सा वीडियो बना रही थी, ज़्यादा लंबा नहीं बना रही थी, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, वो किसी ने वीडियो देखा ही नहीं क्लिक करके, तो क्लिक ही नहीं हुआ अभी तक वो वीडियो, बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुआ। तो आज छोटा सा वीडियो बना रही हूँ बस। आज तो खैर ज़्यादा ठंड नहीं हो रही, तो मैंने सिर्फ ओनली फॉर एक स्वेटर पहना हुआ है। मुझे ठंड इसलिए भी नहीं लग रही है ना, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया ना, तो इस वजह से मेरे को दौड़ना भागना। अरे यार,
ये फोन भी ना एक तक कंटाप लगाएंगे इस फोन के खींच के, परेशान करता हैगा फोन। तो ये फोन फिर से दिक्कत देने लगा है, तो जल्दी से फटाफट से अपना ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और अगर आज समय लगा तो मैं आज लाइव आ जाऊंगी, नहीं तो फिर उसके लिए सॉरी। हाँ भाई फोन तंग मत कर, बंद कर रही हूँ लाइव, सॉरी व्लॉग। ठीक है चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए मारते हैं अपना डायलॉग, यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, और हाँ एक दूसरे की स्माइल बनते रहिए और आंसू नहीं। ठीक है हंसते, बाय बाय, टाटा बाय बाय। लाइव आने की कोशिश करेंगे क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जी तो कर रहा है ना फ़ोन के लिए, चाटे चाटे लगा दो खींच के, गंदा फ़ोन, भूतनी फ़ोन, चुड़ैल फ़ोन, राक्षस फ़ोन। हट, बाय।